हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की बात करना चाह रहे हैं जो आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वेटेज रखता है। वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपस में क्लब करके बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स क्या है और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या है, और इन्हें क्लब करके हम कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर अब बहुत सारी आइडेंटिकल चीजें मेरे पास में हैं। मान लो मेरे पास में 10 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं और मैं चाहता हूं कि इन 10 आइडेंटिकल कॉइन को 3 लोगों में मैं बांटूं, और बिना किसी कंडीशन के अनकंडीशनली बांटूं कि मैं, हो सकता है मैं किसी एक को कुछ भी ना दूं और 10 के 10 कॉइन्स किन्हीं दो को दे दूं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, या फिर मैं सबको एक एक दूं और तीसरे वाले को रिमेनिंग 8 कॉइन्स दे दूं। तो अनकंडीशनली किस तरह से बांटते हैं, तो मेरे हिसाब से आप इस बात को तो समझ पा रहे होंगे कि अगर मुझे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स किसके पास जा रहे हैं, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स तो आइडेंटिकल हैं। तो सिर्फ फोकस इस बात पर रहेगा कि कितने ऑब्जेक्ट्स किसके पास जा रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बात क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स बताता हूं। ठीक है, तो जो हमारा टास्क है वो ये है कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को लेट्स से r पर्सन्स के अंदर अनकंडीशनली बांटना है। तो कितने वेज होंगे, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r पर्सन में अनकंडीशनली बांटता है। नन, वन और मोर, सारी कंडीशंस मैंने कवर कर ली है। और मैं ये प्रपोज कर रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन करने के जो तरीके हैं, जो वेज हैं, दे विल बी इक्वल टू लीनियरली अरेंज n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स विद r माइनस वन आइडेंटिकल डिवाइजर्स। इस बात को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक मेथड डेवलप करके दे रहा हूं विच वी विल अप्लाई इन द क्वेश्चंस, राइट। तो इस मेथड को पहले ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो मैंने इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r पर्सन्स में अनकंडीशनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए r माइनस वन आइडेंटिकल डिवाइजर्स ले लिए। अब ये जो डिवाइजर्स है ना, तो आप इसको मतलब लाइक कोई भी आइडेंटिकल चीज मान सकते हो। लेट्स से स्टिक्स मान लो कि आपने r माइनस वन आइडेंटिकल स्टिक्स ले ली। ठीक है, और मैं ये प्रपोज कर रहा हूं कि जितने डिफरेंट वेज से मैं इन n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को
इन आर माइनस वन आइडेंटिकल डिवाइजर के साथ में लीनियरली अरेंज कर सकता हूं। हर लीनियर अरेंजमेंट का तरीका मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका देगा। इस बात को मैं पहले आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूं कि लेट्स से मेरे पास में 7 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं और मुझे उन्हें 3 पर्सन में बांटना है। पहले मैं इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। लेट्स से 7 आइडेंटिकल कॉइन्स अनकंडीशनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि जितने पर्सन से उनसे एक कम आप डिवाइजर ले लो, ओके। तो 7 आइडेंटिकल कॉइन्स है, मैं इनको ऐसे शो कर रहा हूं और 3 पर्सन है तो मैं 2 डिवाइजर ले रहा हूं। लेट्स से डिवाइजर को मैंने ना इस तरह से शो किया फाई के सिंबल के हिसाब से, ऐसे कि 2 आइडेंटिकल डिवाइजर से, और मैंने प्रपोज क्या किया था कि इनको लीनियरली अरेंज कर दीजिए, ठीक है। मैं जानता हूं कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को लीनियरली अरेंज करने के तरीके आपको मालूम होगा, और मेरा तो यह प्रपोजल है कि जितने वे से मैं इनको लीनियरली अरेंज कर सकता हूं, ईच वे ऑफ लीनियर अरेंजमेंट विल गिव यू वन वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखते हैं कैसे। जैसे मान लो ये जो पर्सन हैं उनको मैं नाम दे रहा हूं P1, P2, P3, ओके। अब जैसे अगर मैं इनको लीनियरली अरेंज करूंगा तो ऐसा लीनियर अरेंजमेंट तुमको मिल सकता है, लाइक ये लीनियर अरेंजमेंट मिला, ठीक है ना। देर आर सेवरल वेज, वो मैं बताऊंगा कि कितने वेज हैं, लेकिन लीनियरली अरेंज करते हो तो मानते हो ना कि एक तरीका तो ऐसा लीनियर अरेंजमेंट का मिलेगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लीनियर अरेंजमेंट है इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू कि लेट्स से P1 को 2 मिले, इस फर्स्ट डिवाइजर के लेफ्ट में जो भी आएगा मैंने कह दिया चलो ये P1 को मिलेंगे, और दोनों डिवाइजर के बीच में जो भी आएगा वो P2 को मिलेंगे, और इस डिवाइजर के राइट में जो भी आएगा वो P3 को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से P1 को 2 मिल गए, P2 को 3 मिले और P3 को 2 मिल गए, ठीक है ना। अब तुम कोई भी लीनियर अरेंजमेंट का तरीका सोचो, कोई भी तरीका, वो डिस्ट्रीब्यूशन का एक ना एक तरीका आपको दिखाएगा, वन कॉरेस्पॉन्ड होगा 1-to-1, है ना। जैसे तुम सोचो कि भाई मेरे को ये वाला केस बना के बताओ कि 0-5 कि P1 को 0 मिल रहे हैं, P2 को 2 मिल रहे हैं और P3 को 5 मिल रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि देखो आप शुरुआत करो डिवाइजर से और 2 आइडेंटिकल कॉइन आपने यहां लगा दिए, और उसके बाद में एक डिवाइजर और 5 आइडेंटिकल कॉइन यहां अरेंज हुए, ठीक है। तो अब P1 के पास में इसके जो लेफ्ट में है कुछ भी नहीं है, तो P1 को 0, इन दोनों के बीच में 2 कॉइन है तो P2 को 2 मिल गए और ये मिल गए P3 को, ठीक है। लेट्स से अगर कोई कहे कि भाई 0-0-7 को शो करते हैं, चलो 0-0-7, तो 0-0-7 तो अगर ये लीनियर अरेंजमेंट आएगा, वो तो आएगा ऑब्वियसली बात है, तुम जितने भी तरीकों से लीनियरली अरेंज करोगे ये भी एक लीनियर अरेंजमेंट आएगा, और ये लीनियर अरेंजमेंट कॉरेस्पॉन्ड करेगा कि आपने P1 को कुछ नहीं दिया, इधर कुछ भी नहीं है और इन दोनों डिवाइजर के बीच में भी कुछ नहीं है, तो P2 को भी कुछ नहीं मिला, तो सातों के सातों जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स या कॉइन थे वो P3 को मिल गए, ओके। तो मेरे हिसाब से आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया कि अगर मुझे 7 आइडेंटिकल कॉइन को 3 पर्सन में अनकंडीशनली डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो मैं 2 डिवाइजर, पर्सन से एक कम डिवाइजर लेना है, 2 डिवाइजर और 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को, ध्यान रखना ये डिवाइजर भी आइडेंटिकल है, इनको मैं जितने तरीकों से लीनियरली अरेंज कर सकता हूं, ईच वे ऑफ लीनियर अरेंजमेंट विल गिव यू वन वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब जैसे अगर कोई कहे कि भाई तुम
इन सात आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को एक टाइप के और दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को दूसरे टाइप के कितने वेज से लीनियरली अरेंज कर सकते हो? तो यू विल से इट इज फैक्टोरियल 9 ओवर फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 एंड दैट कम्स आउट 9C2। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ लाइक 7 आइडेंटिकल कॉइन्स को 3% में अनकंडीशनली डिस्ट्रीब्यूट के तरीके करने के तरीके बताए। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब अपन उस टास्क पे आते हैं कि n आइडेंटिकल कॉइन्स को या n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अगर r परसेंट्स में बांटना हो अनकंडीशनली तो कितने वेज से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया। तो मैं अब ये n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूं और r माइनस वन मैंने डिवाइजर लिए, ये r माइनस वन आइडेंटिकल डिवाइजर से और ये n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से और मैं इनको लीनियरली अरेंज कर रहा हूं, तो टोटल वेज ऑफ लीनियर अरेंजमेंट विल बी टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इट विल बी n प्लस r माइनस वन फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस वन एंड दिस इज सेम एज n प्लस r माइनस वन c r माइनस वन। तो ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे लाइक 20 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं और मैं कहूं कि भाई तुम एक काम करो इनको 7% के अंदर अनकंडीशनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ट्वेंटी आइडेंटिकल कॉइन को 7% के अंदर अनकंडीशनली रिसीविंग नन वन और मोर, तो कितने वेज होंगे? तो आप कहोगे कि आपने 20 तो आइडेंटिकल कॉइन लिए और इनसे एक काम दैट इज 6 आइडेंटिकल डिवाइजर लिए और इनको लीनियरली अरेंज कर दिया, तो दीज विल बी द वेज दैट इज 26C6। ठीक है, अब देखो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो कोई पूछेगा नहीं, जेई वाले आपको ऐसा तो कोई सवाल जनरली नहीं पूछेंगे कि आप 15 कॉइन को अनकंडीशनली चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ये पहचानना होता है कि ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आया है। आपको ये पहचानना होता है कि ये कंसेप्ट उस सवाल पर लगाया जा सकता है। अब उसका क्लू क्या होता है कि कुछ चीजें जो आइडेंटिकल हैं कुछ पर्संस में बट रही हैं, अगर अनकंडीशनली बट रही हैं तो ये एक थोड़ी सी बात ये भी सोचो कि अगर मैं कहूं कि भाई हर पर्सन को कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, अगर मैं अनकंडीशनली की बात ना करूं, अनकंडीशनली तो हम समझ गए, अगर मैं कंडीशन इंपोज कर दूं कि इस बार हम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आर पर्संस में डिवाइड करेंगे लेकिन इस बार हर पर्सन को कम से कम एक कॉइन या एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। अब तुम ऑब्वियस सी बात है ये कहोगे कि भाई सेलेक्ट करने की तो यहां जरूरत नहीं है क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट किसके पास जा रहे डजंट मैटर, दे ऑल आर आइडेंटिकल। तो फर्स्ट थॉट तो ये आएगा कि एक काम करते हैं कि आर कॉइन को हम बांट देते हैं, हर एक बच्चे को या हर एक पर्सन को एक एक कॉइन दे देते हैं। तो आपने आर कॉइन तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है ना। अब इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूं वो सम अंडर सम कंडीशन है। ठीक है, तो इस बार मैं क्या करना चाह रहा हूं कि n आइडेंटिकल कॉइन से और r पर्संस में डिस्ट्रीब्यूट करना है।
एंड ईच रिसीव्स एटलीस्ट वन कॉइन, कम से कम एक कॉइन मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से इसके अंदर ऑब्वियस ही बात है कि एन शुड बी ग्रेटर और इक्वल आर, तभी आप कम से कम एक ऑब्जेक्ट हर पर्सन को दे पाओगे। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि आप एक एक ऑब्जेक्ट हर पर्सन को दे दीजिए, तो आपने आर ऑब्जेक्ट आर पर्सन को दे दिए, और उसको देने का तरीका एक ही होगा क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं। अब आप मानते हो कि अब मेरे पास में एन माइनस आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स बचे हुए हैं और इनको आर पर्सन में अनकंडीशनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अब तो ये जो तरीका है ये प्रीवियस आर्टिकल से मैच करेगा कि एक काम करते हैं, n माइनस आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप r माइनस वन आइडेंटिकल डिवाइजर ले दीजिए और उन्हें लीनियरली अरेंज कर दीजिए, तो टोटल वेज ऑफ लीनियर अरेंजमेंट कितने आएंगे, n माइनस आर प्लस r माइनस वन आपने आइडेंटिकल डिवाइजर लिए एंड c r माइनस वन, सो दिस इज n माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, अब जैसा मैंने अभी कहा कि भाई डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस हैं, क्वेश्चन के अंदर आपको पहचानना पड़ेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का सवाल है। मैं आपको एक बहुत अच्छा सवाल बताता हूं, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ सेवन डिजिट नंबर द सम ऑफ हूज डिजिट इज 59। ठीक है, तो सात डिजिट का ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनमें डिजिट का सम 59 है। भाई इनिशियली जो थॉट आएगा कि मुझे सात डिजिट के नंबर्स बनाने हैं और इन सभी डिजिट्स का सम मेरे पास 59 होना चाहिए, तो जैसे मैं कोशिश करूं, ये जो मेथड बता रहा हूं मैं, ये मैं अडॉप्ट नहीं करूंगा, मैं तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट से करूंगा, पर मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं जो डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट से भी किया जा सकता है। जैसे अगर मैं शुरुआत करूं कि मुझे डिजिट का सम 59 चाहिए, सिक्स तो नाइन ले लिए, 54 सम हो गया और ये फाइव लगा दिए, और मैंने कहा कि भाई आप सिक्स नाइन्स और एक सिंगल फाइव लेके इनको परम्यूट करके आप कितने नंबर बना सकते हो ये आप फाइंड कर सकते हो, दैट इज 7/6। तो सात नंबर इनसे बन गए। ठीक है ना, अब एक थॉट यह आएगा कि एक काम करते हैं, हम फाइव नाइन्स ले लेते हैं और एक नंबर इसको दे दो, दैट इज 8/6। अब इनको परम्यूट कर दो तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विल बी 7/5, दैट इज 42 नंबर्स। है ना, समझ पा रहे हो ना,
अब लाइक मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि नेक्स्ट कैटेगरी में ले लूंगा और एक नंबर इसको दे दिया तो इट बिकम सेवन इन सेवन। अब इनको परम्यूट कर दो, फैक्टोरियल सेवन ओवर फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल टू एंड दैट इज 21। ठीक है, अब तुम समझ सकते हो कि ऐसे मैं कैटेगरी बना सकता हूं लाइक 9999 और 887, है ना, 999 एंड लेट्स से 8888। वो जितने भी कैटेगरी बनती हैं आप वो सारी कैटेगरी बना के और इधर आप इनके परम्यूटेशन से जितने भी नंबर्स बन सकते हैं वो सारे नंबर लिख लोगे एंड देन यू विल सम ऑल द नंबर्स जो आपने बनाए। तो ये तो मैंने परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट से दिखा दिया। ठीक है, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट से बताना चाह रहा हूं, उसको ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऐसे तो मेरे को बहुत सारे केसेस बना के सम करना पड़ेगा। मैं जो मेथड बताना चाह रहा हूं उसको आप समझिए। इन सेवन प्लेसेस पर मुझे डिजिट्स रखने हैं जिनका सम नाइन आ जाए। ओके, मैं एक काम करता हूं, मैं इन सब सेवन प्लेसेस पर एक तरीके से नाइन रख रहा हूं। एक तरीके से मैंने नाइन रख दिया। अब मैं देख रहा हूं कि भाई इन सब डिजिट का सम तो 63 आ गया और मुझे इन डिजिट का सम 59 लाना है। दैट मींस मुझे इन प्लेसेस पर जो लिखे गए नाइन हैं उनमें से मुझे चार डिडक्ट करने हैं, चार को डिडक्ट करना है। ठीक है ना, अब देखो चार में किसी भी प्लेस से एक साथ डिडक्ट कर सकता हूं। लाइक मैं इस वाले प्लेस पर 9 को 4 डिडक्ट करके 5 बना दूं, या मैं इनमें से कोई भी एक प्लेस सेलेक्ट करके और उस प्लेस पर 4 डिडक्ट करके 5 बना दूं। ठीक है ना, 4 डिडक्ट करके, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं 2 यहां से डिडक्ट करूंगा 2 यहां से डिडक्ट करूंगा, किन्हीं भी दो प्लेसेस से 2 को डिडक्ट कर लो तो आप 7 बना दोगे, या फिर आप 1111 डिडक्ट करके 8888 बना सकते हो, लाइक दैट। तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, मुझे चार डिडक्ट करने हैं जो यहां पर जो नंबर लिखे हुए हैं उनमें से, वो किसी एक प्लेस से भी हो सकते हैं, दो प्लेसेस से, तीन प्लेसेस से, या चार प्लेसेस से भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूं कि समहाउ ये डिडक्शन किसी प्रोसेस के थ्रू हो जाए। ठीक है, आप इमेजिन करो कि अगर मैं ये मानूं कि मेरे पास में चार आइडेंटिकल कॉइन है, और ये जो प्लेसेस हैं इनको मैं फॉर टाइम बींग पर्सन्स काउंट कर रहा हूं कि ये सात पर्सन्स हैं, सात प्लेसेस सात पर्सन्स हैं, और मैं इन फोर आइडेंटिकल कॉइन को इन पर्सन्स में बांटना चाहता हूं विदाउट एनी कंडीशन, अनकंडीशनली, फ्रीली। बांटने का पर्पस क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि चारों कॉइन इनमें से किसी एक पर्सन को मिल गए, मान लो इस पर्सन को मिले, इस पर्सन को मिले,
तो इसमें से मैं 4 डिडक्ट कर दूंगा, इसको मैं 5 बना दूंगा, ठीक है। तो आपके पास में ये चारों डिडक्शन, 4 आइडेंटिकल कॉइन के डिडक्शन किसी भी प्लेस पर अगर एक साथ होते हैं, तो आपको जो पहला केस मैंने बताया था ना, आप 6 9s and 1 5 लेके नंबर बना रहे हैं, तो जितने वेज से मैं ऐसा कर सकता हूं उस कैटेगरी के नंबर आ जाएंगे। अगर ये 4 आइडेंटिकल कॉइन मान लीजिए किसी एक प्लेस पर 2 गए, किसी एक दूसरे प्लेस पर 2 गए, तो वहां से 2 डिडक्ट हुए, तो वो नंबर 7 बन जाएंगे। तो आपके पास 7 7 9 9 9 9 9 5 9 और 2 7 से बनने वाले नंबर आ जाएंगे। समझ रहे हो इस बात को, कि मैं अगर इन 4 आइडेंटिकल कॉइन को अनकंडीशनली इन 7 प्लेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, और जितने कॉइन जिस प्लेस पर गिरे उतने नंबर मैं उस प्लेस से डिडक्ट कर लूंगा, तो मेरे पास ऑल पॉसिबल नंबर्स आ जाएंगे। तो मैं कितने नंबर्स बनेंगे उसको ये कह रहा हूं कि आप एक काम कीजिए, सिंपली आप तो 4 आइडेंटिकल कॉइन को इन 7 पर्संस को अनकंडीशनली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो जितने डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके होंगे, हर तरीका आपको एक नंबर देगा, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विल बी द टोटल वेज बाय विच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 4 आइडेंटिकल कॉइन्स इन 7 पर्संस। अब वो मेथड आपने अडॉप्ट कर लिया कि 4 आइडेंटिकल कॉइन हैं और मेरे पास में 7 पर्सन है, तो इनसे एक कम, दैट इज 6 मैंने आइडेंटिकल डिवाइजर्स लिए, तो 4 + 6 C6, दैट इज 10 C6 और 10 C4। तो ये टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 7 डिजिट्स whose digit sum is 59। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको लेक्चर के शुरू में भी बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का भी यूज करके हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट के साथ में बहुत अच्छे सवाल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।